नैणानु लोड तेरी दीद दी दूर विरहणा नहीं आउंदा दिलू तेरे ना किन्ना प्यार है सानू ते ए खूबसूरत हम सफर ए सफर किदा शुरू होया सी ए बस महाराज रब ने बनाया बड़ी जोड़ी जे भी बनाई ना सब महाराज दी कृपा है जी लोकी तो टीचना करती ने हाँ भी केड़े काम सीगे पैकेट भांड्या गए ने कि हाँ भी हलवाई बन गए ने लोगों का काम मैं टीचना करना पर इन्हां दी परवाह ना करते हुए अपना कारोबार ते रहे हां बट ठीक है मैं तो दोनों चीजें सोच रही हूँ मैं जॉब वाले मुंडे नाल ब्याह करना थी बट मैं बिजनेसमैन नाल कीता आपे उतो ही बाइक लेके तुरिया ते पता नहीं लग्या 7 फीस किदां ब्रेक बज गई जी फौरन जाल बारे सोचदा सी अज की सोचदा है हां जी फौरन जावांगे कोई गल नहीं घूम फिर के आवांगे अंग्रेज सारेयां नूं मिल के आऊगा जी कोई चक्कर ही नहीं है जी सर कि जे तो कुड़ी नौकरी लग गई फिर तो कहनी मुंडा लग्या वाला चाहिए जे मुंडा लग गया वह कहना भी कुड़ी नौकरी लई चाहिए है असल में बेरोजगार दोनों रल के मेहनत नहीं करना चाहते है हसीकाल मैं सुखी मंगाणिया तुसी जुड़े हुए हो सरलेख दे नाल मोहाली चंडीगढ़ वर्गे शहर पंजाब दी जवानी दे लई ओ सुपना ने जिथे लोग काम कार करके नौकरियां करके या रुजगार दी तलाश विच इत्थे निकलदे ने अपनी अरीजा अरमान पूरे करन दे लई अज असी मोहाली दे 7 फेस विच पहुंचे हां जिथे गुरु कृपा चाप कॉर्नर दे विच कहिंदे जिंदगी दे विच जे खूबसूरत हम सफ़र मिल जाए तो जिंदगी होर भी सोहनी हो जाती है अज इस अजिही ही तुहानूं एक जोड़ी नाल मिलाउने आ जो एजुकेशन होर है पर जदों एक बिजनेसमैन लोग कहिंदे हुंदे ने कि नौकर बन नालों मालक बनना चंगा है अंग्रेज़ तो उन्हां दी हम सफ़र मेरे नाल ने करदे आ गलबात मतलब तां इसो भी ये जोड़ी बनी किवें सी आम तौर पर बचोलों सिठनियाँ लगदियाँ होंदिया ने यह खूबसूरत हम सफ़र ये सफ़र किदा शुरू होया सी ये बस महाराज रब ने बनाया भाजी जोड़ी जे भी बनाई ना सब महाराज की कृपा है भाजी सब रब का शुक्र है भाजी अंग्रेज एजुकेशन की है भी मैं भाजी वैसे वैल्डर का डिप्लोमा किया हो ठीक है तो बाकी उदू मगर फिर इस काम पै मेरा बैकग्राउंड मोबाइल का वैसे तो उदू मगर फिर आप मैं तो मेरी वाइफ ये काम से आ गए पहले पार्ट टाइम से फिर फुल टाइम से आ गए जी फिर मोबाइल वाला मुंडा इलैक्ट्रिकल काम करने वाला मुंडा इधर किमें आया वाह महाराज तुम दस्या तो है रब की कृपा भाजी जो तो पलट वजना एकदम वज जाता कोई वही की सोचा उधर क्यों नहीं गए है इस काम की क्यों चोन की है पहला मेरा काम सगा ना जो तो फिर लॉकडाउन तो बाद बहुत ढिला पै गया ठीक है उदू मगरों फिर ज़्यादा मैं क्या डाउन जाने नालों चंगा आप मैं तो मेरी वाइफ ने एक डिसीजन लिया असी चम का काम तो पहला भी साइड पर करते ही तो फिर असी एक सोचा कि हाँ भी यार अभी बाहर तो जाना ही फिर वो साडा स्पॉयल हो गया किसी रीज़न ना लॉकडाउन लैके तो उदू मगरों आप क्या चल जाना तो है ही है सिटी चेंज करके देख लें मैडम कहें कि हाँ भी देखते हैं चलो सिटी महाराज ने ऐसी चीज जगह लिया इतने महाराज ने हर चीज़ ही फेर पा दिता वा जी पहले बैकग्राउंड कितों का पिछोकड़ जिहड़ा पिंड है कितों कितों रहने वाले सी मोहाली आने का सबब किवें बनता है मेरा पिछोकड़ करनाल जिला है जी शहर नीलोखड़ी का रहने वाला मैं तो बस ये तो सबब तुहानूं दस्सिया शुरू ही मैं तुहानूं दस्सिया ये तो रब दे इक्को दम ही किवें कोई सिस्टम बनया मैनूं पता ही नहीं लग्या जी आपे उत्थों ही बाइक लैके तुरिया तो पता ही नहीं लग्या 7 फीस किदां ब्रेक वज गई जी जो अंग्रेज़ फॉरन जाने बारे सोचता सी अज की सोचता है हाँ जी फॉरन जावांगे कोई गल नहीं घूम फिर के आवांगे अंग्रेज़ सारे नूं मिल के आऊगा जी कोई चक्कर ही नहीं है जी सारे नाल ठीक है वधिया फॉरन एक अलग लाइफ है जिहड़ी तुहाडी इत्थे पंजाब इंडिया जिहड़ी लाइफ है वो अलग है क्योंकि तुसीं इत्थे सारे नूं मिल सकदे हो तो उत्थे तुहाडा शेड्यूल ही बिजी हो जाणा है जी सारा उत्थे तुसीं किसे नूं मिल नहीं सकदे उत्थे तुसीं अपने वर्क च बिजी रहोगे हर टाइम क्योंकि उत्थे तुहाडा की हैगा सिर्फ कम कम तो घर आ लाइफ तुहाडी जिहड़ी तुसीं अज किसे नूं मिल रहे हो वो डेड हो जाएगी सिर्फ पैसा ही रह जाएगा अंग्रेज़ जदों किसी इंसान ने एजुकेशन कोई होर ली होंदी है जिवें तुसीं कह रहे हो भी मैं वैल्डर का डिप्लोमा किया है ना
पर सानू काम कोई होर करना पै जी जो असं करते हैं शुरू की दिक्कत आई हो रिश्ते नाते या घर परिवार भी कहना होगा भी तुम किधर ये तुर पे सानू घर वालों तो नहीं ऊँ तो लोग तो टीचरें करती ने हाँ भी कि काम से पै कि भांडे च गए ने कि हाँ भी हलवाई बन गए ने लोगों का काम मैं टीचरें करना पर इन्हों की परवाह ना करते हुए अपने कारोबार से रहे हैं बाकी महाराज ने फल भी दिता है जी हाँ जी लोगों की परवाह नहीं की जी गुरु कृपा नाम की चोण किमें हुई ये भी भाजी सानू साडे उस्ताद ने कहा कि यही रखना है उदो मगरों सू कई ने सलाह भी दी तुम सिंग एंड कोर रख लो कुछ अदरवाइज इदा इदा कर लो बट नहीं असी नहीं किया सानू बस गुरु कृपा ही गा तो गुरु कृपा चलती रही हौली हौली जी जो ये काम शुरू किया तो एक वीडियो वायरल होंगी अमरीशा गुलाटी जी ठीक है उन्होंने की कहना तो इस काम को लेकर वैसे सुनया गया पर तुहाडे मूहों क्योंकि किसी की हलाशेरी दी हुई बंदे बहुत अगे लेके जाती है क्योंकि साड़ी जिहड़ी मैडम ने सानू सपोर्ट की पूरी फुल सपोर्ट सी मैडम की मैडम सानू इत्थे आए एप्रीशिएट किया मैडम ने हर टाइम साडे नाल मैडम खड़े रहिंदे ने कोई दिक्कत नहीं हैगी सानू कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई क्योंकि मैडम ने जदों साडे कोल इत्थे आए तो असी काफ़ी सोशल च इक्को दम ही चढ़ गए सीगे क्योंकि मैडम का ज़्यादातर साथ रहा है ठीक है मैडम को असी जदों भी मिलन जाइए तो मैडम ऐसा मिलते हैं जिदा फैमिली मैंबर होंगे ने जी बिल्कुल जी मैडम की नाम है तुहाडा कुलप्रीत कौर कुलप्रीत हाँ जी अंग्रेज अज कुलप्रीत की जदों घर रिश्ते नाते की गल चलती है कुड़ी ब्याहनी है माँ प्यो सोचते हैं ना वो जो अंग्रेज की गल चली उदों कुलप्रीत की सोचती थी कि जॉब वाले मुंडे ब्याह करा रही हूँ मैं तो पहले नाम सोच के ही हसन लगी थी नाम की अंग्रेजी में कि यार झूठ बोल रहे हैं उस तो बाद उन्होंने कहा नहीं मेरा सच्ची नाम है चलो कोई नहीं ब्याह तो वैसे मैं जॉब वाले नाल करना सी क्योंकि पहला मैं जॉब करती सी लेकिन हुण मैनू लगता है कि अगर मैं किसी जॉब वाले नाल करती शायद वो मैनू इन्ना ना समझदे जिन्ना है मैनू समझदे ने तो मेन है कि पार्टनर तुहानू किन्ना सपोर्ट कर रहा है किन्ना समझ रहा है तो बाकी तुहाडे अपने हाथ च हुंदा है और अपने हाथ च भी की हुंदा है अगर तुसीं वाहिगुरू जी ते बिलीव करदे हो तो सब कुछ सैट हो जाता है तां करके फिर असीं कहा चलो हुण लब तो लिया ही है अंग्रेज ते हुण चलो नाल भी चल के देख ही लैंदे आ हाँ जी क्वालिफिकेशन की है मैं एमएससी कीती है जी एमएससी आईटी हाँ जी आईटी कीती है कंप्यूटर वाले स्टूडेंट ते इधर जदों ये गल चली उदो तुहाडा की रिएक्शन सी अंग्रेज ने पहले गल चलाई सी ते तुसी गल चलाई सी भी ये काम कर लिए अपन हाँ ये मतलब दोनों की ही राय सी लेकिन चाप की राय नहीं सी कि चाप का काम करना है फास्ट फूड की सी क्योंकि फूडिंग लाइन से ना थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाता तो सानू सी कि नहीं असी पार्ट टाइम ही करेंगे ये डिसाइडेड नहीं सी कि मैं आफ्टर मैरिज जॉब करूँगी अपनी ओही लाइन नू कॉन्टीन्यू करूँगी कि जॉब करूँ बट मैनू ये सीगा कि आई शुड बी अ वर्किंग लेडी कि यार मैनू घर ना बहना पवे बस वो कुछ भी चलेगा अज पंजाब की जवानी तुसी भी सोचा सी विदेश जावांगे है ना अज अंग्रेज सोचदा घूमण फिरन जावांगे कितने सोचते सी रुजगार कमाउण जावांगे अज कुलप्रीत की सोचती है मैं किता उन्हां दा उन्हां दा तो आने तो बाद भी हुई थी नहीं नहीं बाहर जाने मैं क्या कोई नहीं रब जी ने इन्नी मेहर की है काउंटर तो इन्नी पब्लिसिटी हो गई है लोग तरस जाते हैं पूरी लाइफ निकल जाती है उन्होंने काम करते करते और वो चीज़ नहीं होंगी तो मैं क्या हूँ इन्ना काम वधिया सैट हो गया है कस्टमर भी इन्ना प्यार करते हैं रब जी की भी कृपा तो इतने ही अपने आप बंदे यही काम अगे वधाना चाहिए कुलप्रीत गल्लां तो लोग कहते हैं कि काम छोटा व्डा नहीं होंगे पर जो ना कोई बहुते लोग अज नैट के लिए क्वालीफाई फिरते हैं ना मास्टर डिग्रियां प्रोस्ट पोस्ट ग्रैजुएट बी एड या होर इस तरह के कोर्स करे हुए हैं पर उन्हें आपदे जिहड़ी हुनर है हुनर तो कर नहीं पाते स्किल डिवेलप तो कर नहीं पाते हैं पर कोई होर काम भी नहीं कर पाते हैं उन्होंने क्योंकि अंदर की हीन भावना बड़ी हुई है भी असं ये काम होर क्यों करिए उन्होंने लोगों को की कहना चाहोगे अपनी लाइन तो दूजी लाइन से एकदम तुसी मूव कर रहे हो बहुत औखा है मेरे लिए भी बहुत औखा सी क्योंकि मैं कितने जॉब करती सी कितने एकदम बिजनेस लाइन से आ गई जिहड़ा मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं सी बट ठीक है मैं तो दोनों चीज़ें सोचती हूँ मैं जॉब वाले मुंडे नाल ब्याह करना सी बट मैं बिजनेस मैन नाल कीता प्रोफेशन जॉब सीगा मतलब मैं टीचिंग लाइन से सी ते मैं बिजनेस आ गई तो ये दोवें चीज़ें है ना एक्चुअल च ये लाइन नू प्रूव कर दियाँ हैं प्रोफेशन एंड मैरिजेज आर डिसाइडेड इन द हेवन वाली गल है तुम सोचते कुछ होर और रब जी ने सोचा कुछ होर हों तो होंदा हो ही है जो रब जी ने सोचा होंदा तो इस करके मेरे नाल तो दोनों चीज़ें उल्ट हुई हैं लेकिन जो भी होया बहुत वधिया होया बहुत वधिया अगर मैं इन्हां नाल मैरिज की है तो ठीक है मेरी लाइफ की बहुत गल्लां सीगियां जिथे इन्होंने मैं इन्ना सपोर्ट किया है शायद कोई होर एजुकेटेड होंदा तो मैं ना करता मनीषा गुलाटी को लोग जाते हैं तंग दिलियाँ लैके उन्हों को जाते अपने रौले झोले लैके है ना अपने घर के कलेस लेके जाते हैं पति पत्नी के सपोर्ट लेके जाते हैं है ना एक जोड़ी ये है
जिहड़ी उन्हां नूं भी एनर्जी दिंदी है, इक उन्हां लई साडे सारयां लई इक उदाहरण बन गए भी कम छोटा वड्डा नहीं हुंदा जिंदगी दे विच, दोवें हसो खेडो तां मेहनत करो। इहदे बारे की सोचदे हो? गल ये है कि पहला तो मैडम का भी बहुत थैंक यू है कि वो बहुत सपोर्ट कर, अज भी असी सानू कोई प्रॉब्लम हो भी असी चलिए ना मैडम हमेशा खुश होकर मिलता कहने कोई टेंशन नहीं लैनी मैं नाल खड़ी हुई हाँ। तो मेहनत का यह है कि अगर तुम पहला ही सोचोगे हूँ तुम जॉब पर जाओगे वो भी डेजिग्नेशन तो एकदम मैनेजर पोस्ट की तो मिलने लगी, बहुत रेयर होंगी है कि हाँ तो सीधा मैनेजर पोस्ट की मिल जाती है, MD पोस्ट की मिल जाती है, वो भी तुम्हें पहला हार्डवर्क करना पैदा। तो अगर तुम जॉब पर जा रहे हो ये सोच के कि मैं तो सीधा मैनेजर पोस्ट मिलेगी वो भी नहीं होगी, अगर मैं सोच रही हूँ मैं काउंटर पर खड़ी हाँ जी मैं अगे यही लैवल पर रह जाना ये भी नहीं है, वर्क हार्ड तुम्हें उत्थे भी करना पैना इतने भी करना पैना। तो यू शुड बी एम्पलॉयर नॉट बी एम्पलॉय, इस करके मैं कोई वो नहीं है कि मैं काउंटर पर खड़ी हाँ, मैं इतने मेहनत करके अपनी दुकान भी बना लैनी है। जॉब छड़ दो उस तो इधर फास्ट फूड वाले पास आने की कोशिश करते हो, उदो खास करके मामा ते धीआं दा बहुत गूढ़ा रिश्ता हुंदा, प्यार दा रिश्ता हुंदा, मम्मी दा की रिएक्शन सी, की कहंदी सी ओह वी कि परौणे नूं किधर लाउण लगी है? नहीं मेरे घर दिया दी मेंटेलिटी बहुत वाइड है, वो कहंदे ने बस असीं मेहनत करो, मेहनत भी इहो जी करो कि कोई ओवें दी जिहड़े तुहानूं दिल नूं वधिया लगे, कोई काम वड्डा छोटा नहीं है, बस तुसीं अपने दिल लगा के काम करो और एक सक्सैसफुल होवो, बस एवें घर दिया दे मेरे पूरी सपोर्ट सी। एक अपने समाज दे विच इह तराशदी है कि जे तो कुड़ी नौकरी लग गई फिर तो वह कहनी मुंडा लग्या होना चाहिए, जे मुंडा लग गया वह कहना भी कुड़ी नौकरी लेनी चाहिए है, असल बेरोजगार दोने रल के मेहनत नहीं करना चाहते है भी, क्योंकि बेरोजगार बेरोजगार ब्याह नहीं चाहता है, उन्होंने लोगों लिए की मैसेज है? ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि जेकर कोई टेस्ट क्लीयर कर जाती है कुड़ी नौकरी मिलती नहीं हैगी पर ब्याह नहीं करवाना चाहती बेरोजगार मुंडे नाल जां किसी काम जां किसी काम किए वाले मुंडे नाल, इन लोगों को की कहना चाहोगे? देखो गल ये है कि अगर एक साइड थोड़ी वधिया नहीं है तुसी उन्हें सपोर्ट करोगे तो हो सकता है दोनों साइड वधिया हो जाए, तो तुसी एक दूजे को मोटिवेट करो, एक दूजे का सहारा बनो, ना कि यह सोचो कि वह ये नहीं करता तो मैं भी यहोजा नहीं करना, वो एवें का है तो मैं भी यहोजा ही पार्टनर लगना, अगर वो थोड़े लैवल का नहीं है तो तुसी उन्हें अपने लैवल पर बना लो, और ये तो तुहानू दोनों मेहनत करनी पड़ेगी, तुसी सोचो कि एक बंदा ही करेगा एक बंदे दे सिर ते हो जाएगा एवं नहीं, दूसरे एक दूजे का सहारा बनना पैंदा सपोर्टर एक दूजे नू मोटिवेट करना पैंदा, तो ये अपनी अपनी मैंटैलिटी होंगी अपनी अपनी थिंकिंग होंगी कि तुसी अपनी लाइफ नू किवें लैके चलना। अंग्रेज दी दो खास चंगी गल्ल अंग्रेज दे सुभा दी सब तो ज़्यादा वधिया गल तो यह है कि जो मेरी मेड नहीं आती मेरे मेड बन जाते बहुत सपोर्ट करते मेरे घर के कामों च बहुत, और दूजी गल ये है कि मैनू किसी चीज़ लिए मना नहीं करते, अगर मैनू राती 2 बजे भी कोई चीज़ की लौड़ है वह बंदा पूरे दिलों ट्राई करते कि नहीं मैं ये विश पूरी कर देव, तो फिर एक कुड़ी नू ऐसा ही पार्टनर चाहिए होंगे कि अगर कोई घर की काम वाली नहीं आई है तो वह हस्बैंड वो की कहते हैं हेल्प करे, तो अगर उन्होंने किसी चीज़ की लौड़ है तो फिर उन्होंने लिया के दे। अंग्रेज भाई मैडम दियाँ दो कोई खास गल् चंगे सुभा दी मैडम है ही खास ने जी मैडम जी कोई एक गल हो दस अंग्रेज ने वोट लिया जिन्हें मैंने वोट लिया महाराज वो खास ही होएगी उन्होंने वर्गा सीरा कोई होएगा नहीं क्या मेरे वर्गी एड जिन्हें मैंने संभाल लिया महाराज वो वेख लो किवें दी होएगी मैडम का नेचर तो पूरा डिफरेंट ही है तुम देखे ही है बिहेवियर तो बिल्कुल अलग ही है, बाकी मेरा साथ जिमें उन्हें सपोर्ट दिता है, मैं सोच नहीं सकता है कि पढ़ी लिखी कुड़ी कोई एवं मुंडे नाल स्टैंड लै सकती है, ठीक है क्योंकि उन्हें मेरे औखे वाले ही पूरा स्टैंड लिया तो हूँ ही मेरे ना पूरा हाथ नाल हाथ जोड़ के हाथ नाल हाथ फट के चलती है जी हर टाइम। अंग्रेज भाई पंजाब दे विच पढ़ी लिखी पनीरी बहुत है पर ये दुनिया सारी ना एको चीज़ पर खड़ी है कि असी सरकारी नौकरी पास जाना है, लोग अपने हत्थी काम कार तो खुश नहीं है, लोग हत्थी मेहनत नहीं करना चाहते, योजे लोगों लोग एजुकेटड हो रहे हैं पर लोग अपना काम कर तो भज रहे हैं, की कहना चाहोगे? पता की है कई ना शर्मांदे बड़े ने जिदा मैं भी शर्मांदा ही ना मैं भी इतने लगा है यार कि चक्कर च पै गया नवी जवानी है घूमन फिरन का टाइम है कमान के चक्कर च कितने पै गए या कुछ भी है खर्चो हाले क्योंकि माँ प्यो के सिर पर हर उड लेंद चाहे वह पंछी है चाहे वह बंदा है चाहे कोई भी है, क्योंकि जो बंदा आप अपनी मेहनत से आता ना उन्होंने पता लग जाता कि मैं कि चीज़ कैमें तो कदों किस तरह करनी है तो ना बड़ा फर्क पैंता घर बह के तो कोई हल नहीं होना, हड जोड़न वाली गल है बाजार तुरोगे दो बंद ना मिलोगे कुछ अलग अलग चीज़ मिलेगी, क्योंकि अगर आप कितने जाके वधिया जगह जाके ना एक रेहड़ी तो चाह पीनी तो एक बंदा जाके कि वधिया होटल जाके चाह पीनी उत्थे कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि उत्थे सियाने बंदे बैठे होने ने रेहड़ी से बैठे होने कोई ना कोई शराबी कबाबी बैठे होगा तो दो गाली सीख के आएगा,
क्योंकि जो अगर तुम वीड्डी जगह जाओगे उतने कुछ दो बिजनेस दीजा सीख के आओगे यही चीज़ा काम आएंगे। अगर तुम घर ही बहोगे तो फिर कोई भी हल नहीं गा, घर बहन कुछ नहीं गा, चाहे चाहे कोई भी पढ़िया लिखा भी है। अगर बंदा सोचे कि मैं पढ़ लिख के घर बवागा तो नहीं, वो चीज़ पॉसीबल ना ही करे बंदा तो ठीक है, क्योंकि अगर काम करेगा तो दो पैसे वधिया बन जाएंगे, वधिया फ्यूचर सैट हो जाएगा। जो तो अगर सरकारी की वेट करेगा कि पता बुढ़ा भी हो जाए तो की पता इन्हें तरह घर फोटो भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं गा, क्योंकि सरकारी नौकरी का कितने जाके किस्मत ही है, जाग जे नहीं तो इन्हों का कोई फायदा नहीं गा। ये तो सरकारी नौकरी का जिमें लोग वेट करते हैं कि हाँ भी लग जाए, ऐसा तो कुछ नहीं गा, बंदा इन्ना जरा अपना कारोबार कर रहे सरकारी नौकरी नालों बढ़िया आनंद लवेगा। अंग्रेज भाई मकान बनाने सौखे ने, घर बनाने बहुत औखे ने, घर का मतलब रिश्ते नाते निभाने में, अजक रिश्ते टुट रहे हैं, खासकर तुहाडा बाह मनीषा गोलट जी नाल पिया होया, तो इस असी इतने देख रहे हैं कि बड़ा भरा तुहाडे नाल काम कर रहा है, है ना, ये वड्डी गल है। यही जिहड़ी प्रेरणा है मम्मी डैडी तो जां होर किस तरह यह इन्नी प्यार इन्ना मुहब्बत इन्ने गुड़े रुचे हुए हो, की कहना चाहोगे? देखो ये तो जिहड़ा परिवार हुंदा ना वह जो वह नाल जुड़ते ना तो उन्हें वर्गी कोई रीस ही नहीं हैगी। अगर तुम बाहर बंदे रखने वालों चंगा अगर तुहाडा परिवार तुहाडा साथ दे ना तुम एको दम ही उत्ते चल जाओगे, तो अगर तुम लेबर रखते हो तो भाजी देखो वह तो सहारा पता नहीं तनखाह लैके भी आना कि नहीं आना, जब बिना तनखाह तो भी कई निकल जाते हैं। उन्हें सिर्फ एको ही है कि देखो ये तो पेरेंट्स के जोड़े दिते हुए ने कि सानू हाँ भी अपने परिवार नाल रहना है, वधिया तरीके नाल रहना, अपने भरावां नाल भैणां नाल रल के रहना, उन्दे च अपना एक अलग चीज़ बन जाती है, क्योंकि एक फैमिली बॉन्डिंग भी रहती है। ठीक है, सानू साडे पेरेंट ने सिखाया होगा ही तां ही नाल रह रहे हैं जी, इस करके फिर बस थोड़ा ध्यान रखना पैंदा है हर चीज़ का, क्योंकि रिश्ते नाते ही टुटते हैं अगर कितना कितने मिसअंडरसटैंडिंग होती है। पर इन्ना नहीं, बंदे नूं थोड़ा पेशेंस रख के चलना चाहिए, समझना चाहिए एक की गल सुन के नहीं, नाल उनका पक्ष भी जरूर सुनो कि हाँ भी की गल सी, किवें होया, किस तरह नहीं। जदों असी पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब के बेरोजगार अज पढ़े लिखे बहुत ने, उन्हां सवालों के जवाब अंग्रेज़ भाई अते मैडम कुलप्रीत ने दे दिते ने। एक परिवार गंढ के रखना, एक परिवार के विच मुहब्बत बसाई रखना, यह अंग्रेज़ वर्गी तो कुलप्रीत इन्हां परिवार तो सीखना चाहिए। अपने हाथी किरत कर रहे हैं जिहड़े बेरोजगार अज उमरां लंघा रहे हैं इस आस दे विच कि सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उन्हां लई एक इहो जिहे कम बहुत सारे कम असी देखते हैं कि बाहर होर राज्यां तो आके लोग इत्थे कम कर रहे हैं पर असी लोग कम तो पासा वट रहे हैं। सो इहो जिहे लोगों के लिए यह वीडियो असी लैके आए सी, सो बने रहो सरलेख के नाल।